हम पढ़ रहे थे ओटी के ओमान, जो कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप जो कहेंगे वो पढ़ाएंगे। श्रीनिवासन आप पढ़ना चाहते हैं, एस सी दुबे आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब आपने लगभग पहले से पढ़े हुए हैं तो इंटरेस्ट कम रहता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत डिटेलिंग वीडियो होती है। किस सन में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, किस पुस्तक में क्या कहा गया है, इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। नहीं तो हम शोध का टॉपिक तैयार करेंगे। शोध की वीडियोस भी बनानी बाकी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी पूरा क्रमबद्ध, जैसे कि इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में सबको आता है। एस सी दुबे हैं, हमारा श्रीनिवासन बचा हुआ है, अभी देसाई अभी बचा हुआ है, ये सब बचे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओमान कब अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष थे? 1990 से 94 तक थे। प्रोटेस्ट एंड चेंज किसकी रचना है? टी के ओमन की है। प्रोटेस्ट एंड चेंज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1990 में प्रकाशित हुई थी। निम्न में से कौन टी के ओमन की रचना है? डॉक्टर एंड नर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया, उपयुक्त सभी इनकी पुस्तकें हैं। क्राइसिस एंड कनेक्शन इंडियन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? टी के ओमन की पुस्तक क्राइसिस एंड कनेक्शन इन इंडियन सोसाइटी पुस्तक से है। क्राइसिस एंड कनेक्शन इन इंडिया सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1905 में प्रकाशित हुई थी। टी के ओमन ने अपनी किस पुस्तक में भारत में सामाजिक आंदोलन के बारे में वर्णन किया है? सोशल मूवमेंट इशू एंड आइडेंटिटी लिखा है। ओमान ने सामाजिक आंदोलन पर सोशल मूवमेंट कितने खंडों में संपादित किए थे? 2 खंडों में संपादित किए थे। ओमान ने सामाजिक आंदोलन पर आधारित पुस्तक का पहला खंड किसके आधार पर था? पहला खंड था पहचान संबंधी आंदोलनों पर। ठीक है, ओमान की सामाजिक आंदोलन पर आधारित पुस्तक का दूसरा खंड आंदोलन से संबंधित है। पहला है समानता संबंधी आंदोलन और दूसरा है सुरक्षा संबंधी आंदोलन। प्रथम खंड जिस पे आधारित था वो पहचान से संबंधित था, दूसरा जो है वो सामता और सुरक्षा से संबंधित था। सोशल मूवमेंट के पहले किन आंदोलनों का वर्णन हुआ है? धार्मिक आंदोलन और जाति आंदोलन का वर्णन हुआ है। सोशल मूवमेंट फर्स्ट के द्वितीय भाग में किन आंदोलनों को ओमान द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्षेत्रीय आंदोलन, भाषी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। ओमन ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया जो पहचानों को अवस्थित, निष्ठ, तेज तथा परिवर्तित करने में सहायक है? वो है 4 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो कि पहचानों को अवस्थित, निस्तेज तथा परिवर्तित करने में सहायक है। बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया था? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में चलाया गया था। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1928 में प्रकाशित हुई थी। आंदोलन किस विशेष सामाजिक लक्ष्य की ओर बढ़ने या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली निरंतर क्रियाओं अथवा प्रयासों का एक क्रम है? यह परिभाषा किसकी है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की है। किस समाजशास्त्री का मत है कि विचारधारा सामाजिक आंदोलन के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका उत्तर है ब्लूमर। निम्न में से किसका मत है कि सामाजिक आंदोलनों से पिछड़े वर्गों व अश्वेतों के मध्य सर्व समाज के साथ समरूपता का भाव जागा है? इसका उत्तर है M.S.A. राव का कथन है ये। समाजशास्त्रियों ने निम्न में से किस आधार पर सामाजिक आंदोलनों का वर्णन किया? शक्ति, मूल और प्रतिफल, इन सभी के माध्यम से आंदोलनों को बताया है। किसका मत है कि वैचारिकी द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता के लिए व्यक्ति या सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन संगठित ढंग से जनता में सामूहिक जुड़ाव की एक प्रक्रिया है? डेविड
ओवरली का कथन है ये। डेविड ओवरली के अनुसार सामाजिक आंदोलन प्रकार है रूपांतरिक आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन और मुक्ति आंदोलन। उपयुक्त सभी इसके प्रकार हैं सामाजिक आंदोलन के। रूपांतकारी हार्बर्ट स्पेंसर, हार्बर्ट ब्लूमर ने निम्न में से किसे सामाजिक आंदोलन बताया है? सामान्य सामाजिक आंदोलन, विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, अभिजन्य सामाजिक आंदोलन। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है उपयुक्त सभी बताए हैं सामाजिक आंदोलन। ब्लूमर ने कौन कौन से सामान्य, विशिष्ट, अभिव्यंजक सामाजिक आंदोलन, अभिव्यंजक सामाजिक आंदोलन। कि समाजशास्त्री के अनुसार आंदोलन को करिश्माई, विचारधारात्मक तथा संगठित प्रकारों में बांटा जा सकता है। टी के ओमन ने ये कहा था। टर्नर के अनुसार कौन सा सामाजिक आंदोलन का प्रकार है? सुधार, क्रांतिकारी, प्रतिक्रियावादी आंदोलन। उपयुक्त सभी इसके प्रकार हैं। कौन सा आंदोलन ऐसा सामूहिक प्रयास होता है जिसका उद्देश्य समिति सामाजिक परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है सुधार आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन में स्थापित सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाता है तथा उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है? इसका उत्तर है क्रांतिकारी आंदोलन। निम्न में से कौन सा आंदोलन सामाजिक परिवर्तन पर रोक लगाता है? प्रतिक्रियावाद। जिस आंदोलन में संपूर्ण समाज या उसके भाग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन पर बल दिया जाता है उसको कहते हैं, ऐसे जो आंदोलन होते हैं जिसमें सभी पक्षों को ध्यान दिया जाता है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन। पंजाब में अकाली आंदोलन किस आंदोलन का उदाहरण है? धार्मिक आंदोलन का उदाहरण है। कर्नाटक का लिंगायत आंदोलन किस आंदोलन के अंतर्गत आएगा? सांप्रदायिक आंदोलन के अंतर्गत आएगा। समाजशास्त्री सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होता है? विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से और वर्णनात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन होता है। निम्न में से किसका मत है कि सामाजिक आंदोलन का अंतिम लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना होता है? उपयुक्त में से किसी की परिभाषा नहीं है। झारखंड राज्य में कौन प्रमुख आदिवासी समूह है? नंबर एक मुंडा, उराव, सांथल। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी आदिवासी दल हैं। मुंडा एवं उराव जनजाति झारखंड के मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? ये मुंडा और उराव जनजाति झारखंड के रांची जिले में पाई जाती हैं। संताल क्षेत्र में खेखरी आंदोलन में प्रमुख कौन है? भागीरथ। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ताना भगत। निम्न में से कौन बिसरा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता था? बिरसा मुंडा। किसका मत है कि बिरसा आंदोलन मुंडा समाज में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक असंतोष का परिणाम है? सच्चिदानंद। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। 1900 निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक आंदोलन है? ताना भगत आंदोलन, खेखरी आंदोलन, भगत आंदोलन या सभी धार्मिक आंदोलन थे? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। 1920 के अंत तक भारतीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में अवध किसान सभा का आयोजन किया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था। अवध क्षेत्र में कृषकों के पक्ष में किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन किस स्वतंत्र सेनानी ने लिया था? मोतीलाल नेहरू ने लिया था। किस वर्ष कांग्रेस और किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन चलाया गया तो एकता नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं 1921 में यह आंदोलन चलाया गया था जिसको एकता नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र एकता आंदोलन का क्षेत्र था? हरदोई, उन्नाव, सीतापुर। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है एकता आंदोलन के क्षेत्र थे हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। वर्ष 1921 की जनगणना के अनुसार अवध में कौन सा वक्त था?
इसमें है लगान पाने वाला, लगान देने वाला, कृषक मजदूर उपयुक्त सभी वर्ग थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 में चलाया था। निम्न में से कौन समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व थे? ए राम मनोहर लोहिया, दूसरा है जयप्रकाश नारायण। जेली योंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मिजोरम से हुआ था। मध्य प्रदेश का गोंड विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1940 में हुआ था। इंडियन विलेज के लेखक हैं एस सी दुबे। सबसे पहले बने पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालिलकर। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 में हुई थी। दलित पैंथर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 1972 में हुआ था। नारायण धर्म पालन आंदोलन के नेता कौन थे? नारायण गुरु स्वामी। नॉलेज एंड सोसाइटी के लेखक कौन थे? टी के ओमन थे। नॉलेज एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक टी के ओमन थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चारू मजदूर किस आंदोलन से जुड़े हुए? नक्सलीवाद आंदोलन से जुड़े हुए। चारू मजूमदार नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है? संस्थागत ढांचा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आंदोलन के तात्पर्य हैं, के प्रकार हैं? सामाजिक आंदोलन, सामाजिक रूपांतरण आंदोलन, सामाजिक पुनर्निर्माण आंदोलन, ये सभी हैं। ओमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक आंदोलन के अध्ययन हेतु उपयोगी नहीं है? पौराणिक कथाएं। किस राज्य से नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से नक्सलीवाद आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बंगाल से। रूर्बनाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ओमेन ने किया था। सोशल मूवमेंट इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी के लेखक थे ओमेन। श्री नारायण धर्म परिपालन किस प्रकार का आवेदन है? पिछड़े वर्ग आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को वर्ष 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? टी के ओमन। एम एस ए राव द्वारा सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण में सामाजिक निम्नलिखित में से किसने सम्मिलित नहीं किया गया है? उसका उत्तर है आचरण विरोधी व्यवहार को, आंदोलन को सम्मिलित नहीं किया गया है। सामाजिक आंदोलनों को एक ऐसी क्रिया विधि कहा जाता है जिनके द्वारा विभिन्न व्यक्ति व्यक्ता व्यवस्था की बाहरी परिधि से निकल कर केंद्र में आने का प्रयत्न करने लगते हैं। टीके ओमन ने ये लिखा है। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन के प्रादुर्भाव का कारण क्या है? उपयुक्त सभी है। ऐतिहासिक भी है, वर्तमान सामाजिक संरचना के तत्व भी हैं, समाज के भविष्य की परिकल्पना भी है और ऐतिहासिकता भी है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं? उपयुक्त सभी। सामाजिक सुधार, सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक पुनर्निर्माण। ये इसकी आंसर की है। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं।